पहले जो हमारी राजस्थानी फिल्में चलती थी वो दौर अलग था। आज जो राजस्थानी फिल्में बनती हैं उनका दौर अलग है। पहले हमारे जो मेकर होते थे वो बहुत ही जड़ से जुड़ी हुई चीजें, यानी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की चीजों को अपने सिनेमा के अंदर दिखाते थे। हमारी वास्तविक कल्चर जो थी उसको बढ़ाने के लिए वो कार्य करते थे। पहले जो हमारी राजस्थानी मूवी बनती थी उसके अंदर बेसिक चीजें जो यानी कि कहानी, उस पे जोर दिया जाता था। एक कहानी बहुत अच्छी हो, समाज में एक संदेश देने वाली हो और इंटरटेन भी करे। फिर उसकी कास्टिंग बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि जो कहानी है उसका विजुअलाइजेशन है वो एक कलाकार के माध्यम से ऑडियंस के पास पहुंचता है। तो आज जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, तकरीबन 50% बड़े स्टार हमारी राजस्थानी फिल्मों में पहले काम कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज का जो मेकर है वो अपना निजी स्वार्थ देखने लग गया है। उसको सिनेमा की सफलता या असफलता से कोई लेना देना नहीं है। जंगल में मैंने काम किया था तो मुझे वो दिन याद है, अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मेरा कितना कोऑपरेट किया था। और वो डाउन टू अर्थ इंसान है, उसके अंदर किसी भी तरह का घमंड नहीं है। वो अपने काम के प्रति उनका डेडिकेशन है, पैशन है। वो काम करते हैं तो मतलब काम ही करते हैं। और इस बंदे की सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक टाइम में एक ही काम करते हैं।